अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिमिंटन स्टाइलर केरेटिन थेरेपी की जो है ना एक स्ट्रेटनर की जो है अनबॉक्सिंग, ठीक है। उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये मैंने ख़ुद अपनी पॉकेट से ख़रीदा है, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो जी मुझे एक स्ट्रेटनर की ज़रूरत थी, तो मुझे अफोर्डेबल स्ट्रेटनर चाहिए था, तो उसके लिए मैंने चूज़ किया रिमिंटन का ये स्ट्रेटनर, ठीक है, जो स्ट्रेट थेरेपी है, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इसको यूज़ कैसे करना है हर चीज़ इस पर मेंशन हुई है इसके बॉक्स पे। यहाँ पे जी इसका मॉडल नंबर जो है वो भी मेंशन किया हुआ है। आगे चल के मैं इसकी प्राइस भी बताऊँगी आप को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे तो जी हमने बात कर ली जी इसके बॉक्स की। यहाँ पे इस अनबॉक्सिंग से पहले ही मेरी बेटी ने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी। आप देख सकते हैं बॉक्स जो है वो फट चुका है, क्योंकि ये मेरी बेटी ने किया है, 2.5 साल की है माशाल्लाह से, और आपको पता है कि बच्चों की अनबॉक्सिंग कैसी होती है। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें कम करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने जब बॉक्स में निकाला तो ये हमें एक सेफ्टी कवर मिला, जिसके अंदर जो है हम अपने स्ट्रेटनर को जो है वो प्रोटेक्टिव रख सकते हैं आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद। उसके बाद जी ये था हमारा फाइनली जो है स्ट्रेटनर, बहुत ही खूबसूरत था। इसमें डिफरेंट कलर्स थे तो मैंने जो है वाइट कलर चूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे इसका बटन है, इसको पुश करेंगे हल्का सा बैक साइड पे तो ये आगे से खुल जाता है, ये देखिए जी, ठीक है। इसको हम अंदर की तरफ से हल्का सा पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बाहर की तरफ हल्का सा हम लोग इसको खींचेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। ये हो गया जी इसका पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद जी इसके अंदर ये चार बटन्स लगे हुए हैं, एक ऑन ऑफ का है, ठीक है, एक जो है इसको मीडियम पे चलाने का, और एक इसकी जो है ना हीट को कम ज़्यादा करने का है, ठीक है। जब वो आप ये आपके हाथ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसको ऑन का बटन दबाया और जी इसको हमने, आपने जितनी भी इसकी हीट सेट करनी हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकती हैं, ठीक है। प्लस माइनस का निशान लगा हुआ है, दो अलग अलग बटन है, तो उससे आप स्पीड जो है इसकी हीट की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसको यूज़ बंद करना हो तो आप इसको वापस से ऑन ऑफ का बटन दबाएँगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। और जी अगर आप इसको मीडियम हीट पे चलाना चाहें तो उसका भी ऑप्शन इसमें मौजूद है, ठीक है। मुझे चाहिए था एक बजट फ्रेंडली जो मेरी जेब पे भी भारी ना हो, ठीक है, तो ये मेरे बजट में था। इसकी जो प्राइस थी वो 5000 थी, ठीक है, 5000 में ये मुझे पड़ा था। और जी बाकी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ़ प्राइस है, कहीं पे ये 6000 का मिल रहा है, कहीं पे 6.5 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन मैंने एक होलसेल शॉप से ये लिया था। लेकिन अगर आप मार्ट वगैरह से लेते हैं तो आपको इसके रेट थोड़े हाई भी मिल सकते हैं, क्योंकि मॉल्स वालों ने जो है वो अपने रेट्स लगाए होते हैं। उसके अलावा इसकी कारकर्दगी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रेटनर है। अब हमेशा जो है यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी स्ट्रेटनर यूज़ करें तो उसके साथ जो है ना हीट प्रोटेक्टिंग जो स्प्रे होता है ना अब वो यूज़ ज़रूर किया करें, ठीक है। ये स्ट्रेटनर वगैरह हमारी बालों के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन शौक़ आजकल की लड़कियों को होता है कि हम अपने बाल सीधा करें, और जी उसके लिए हम इसको स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो साथ में आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्प्रे को ज़रूर किया करें, या किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इसके रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पर जी ये आप देख सकते हैं काफ़ी वेवी हेयर्स हैं जिन पर हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें जी ये फाइनल इसका रिज़ल्ट था, जो करते हुए बाल स्ट्रेट करते हुए का क्लिप था वो मुझसे डिलीट हो गया था, लेकिन बिफ़ोर और आफ्टर के रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो जी अब आपकी चॉइस है कि अगर आपको 5000 में जो है बहुत ही अच्छी चीज़ मिल रही हो तो क्यों ना ख़रीदा जाए। अगर आपको शौक़ है स्ट्रेटनर का और आप लेना चाहते हैं तो अगर आपका 5000 के अंदर का जो बजट है अगर है और जी तो आप ये ले सकती हैं अगर आप ये लेना चाहें तो। बाकी जो है प्रोटेक्टिंग टूल जो भी होते हैं, हीट के जो भी टूल्स होते हैं वो हमारे बालों के लिए स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, उनका जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी जो है हम किसी ख़ास मौके पे इनका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जी मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
उसके अलावा मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ये रेमिंटन का जो है ओरिजिनल स्ट्रेटनर नहीं है। अगर आप ओरिजिनल स्ट्रेटनर लेना चाहती हैं, बाय करना चाहती हैं, तो उसकी प्राइस जो है इससे बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तकरीबन जो है 15 से 17 हज़ार में आपको ओरिजिनल स्ट्रेटनर मिलेगा, ये चाइना है, और लेकिन यूज़ में जो है बहुत ही बेस्ट है। कम बजट में अगर आप लेना चाहती हैं स्ट्रेटनर और आपका यूज़ भी कम है, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बाकी चॉइस आपकी है, वीडियो में सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ख़रीदना चाहती हैं तो ख़रीद लें, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।